हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना को लेकर सजग रहना बेहद जरूरी, टीकाकरण जरूर करवाएं। यादव गांव दाणी तक कोरोना जागरूकता के अलग जगाएंगे 3 सीमावर्ती क्षेत्रों, चौहटन, सेड़वा और रामसर के लिए कोरोना जागरूकता रथ रवाना। बाड़मेर, बीते 2 वर्षों के दौरान पूरी दुनिया ने कोरोना रूपी एक बहुत बड़े संकट का सामना किया है। हालांकि लगातार बढ़ते टीकाकरण के साथ धीरे धीरे कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन कोरोना पूरी तरह से चला गया यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। यह बात यूनिसेफ भारत के सहयोग से सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी से चलाया जा रहा है। कोरोना जागरूकता कार्यक्रम के नवाचारों के तहत गुरुवार को सीमावर्ती क्षेत्रों चौहटन, सेड़वा और रामसर के लिए कोरोना जागरूकता रथों को रवाना करते समय बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने कही। जिला कलेक्टर ने कहा कि हमें अभी कोरोना को लेकर सजग रहना होगा, कोरोना से जुड़े नियमों की पालन करनी होगी। हमें यह भी समझना होगा कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और वैक्सीनेशन से ही कोरोना से बचाव हो सकता है। ऐसे में हमें खुद भी टीकाकरण करवाना होगा और अपने आसपास दूसरों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करना है। यूनिसेफ और श्योर के प्रयासों की सराहना करते हुए यादव ने कहा कि टीकाकरण को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लेकिन अभी एक बड़े वर्ग में टीकाकरण को लेकर कई भ्रांतियां हैं जो आने वाले समय में 100% टीकाकरण के लक्ष्य में बाधा बन सकती है। जिला कलेक्टर ने कहा कि यूनिसेफ और श्योर से ही सही समय पर टीकाकरण से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की पहल शुरू की है और निश्चित तौर पर हमें इसका फायदा मिलेगा और समय 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रत्नू ने कहा कि स्थानीय बोली और लोक शैली में प्रचार प्रसार निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है और इससे प्रभावी तरीके से लोगों के बीच कोरोना जागरूकता जन चेतना जगाने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि यूनिसेफ भारत के सहयोग से श्योर द्वारा गांव दाणी तक स्थानीय लोक कलाकारों की मदद से स्थानीय बोली और लोक शैली के जरिए कोरोना जागरूकता की अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके तहत जिला युवक कल्याण कोष परिसर स्थानीय कलाकारों को लोक संगीत, लोक गीतों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों कोरोना प्रोटोकॉल की जानकारी देने, कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए जन चेतना जगाने का प्रशिक्षण दिया गया। 3 दिवसीय कला जत्था प्रशिक्षण शिविर के समापन के बाद गुरुवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव की मौजूदगी में चौहटन, सेड़वा और रामसर के लिए कला जत्थों अलग अलग दलों के साथ कोरोना जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। श्योर की संयुक्त सचिव लता खचवा ने कहा कि यूनिसेफ के सहयोग से बाड़मेर के साथ ही जैसलमेर, सिरोही और डूंगरपुर के 10 बालकों में स्थानीय बोली और लोक शैली के जरिए कोरोना जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। जागरूकता रथों को रवाना करने के अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रत्नू, महिला एवं बाल विकास अधिकारी प्रहलाद सिंह राजपुरोहित, संस्था कोषाध्यक्ष नरेंद्र तन सुखानी, कार्यक्रम प्रबंधक हनुमान चौधरी, सुनील राखेचा, हनीफ खान रहुमा, जरीना सियोल, गणेश दास केला, सत्यनारायण मूड, शशि कुमार नायर, विजय सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। कोरोना जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर सवाई खान एंड पार्टी को सेड़वा, खेता खान एंड पार्टी को चौहटन और गुलाम खान एंड पार्टी को रामसर के लिए रवाना किया गया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से खास रिपोर्ट।